बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। ये है हमारी दुल्हन। मम्मा सीधा करती है। अच्छा आप खुद करोगे। ये है भाई हमारी। हाय एवरीवन, दिस इज नेहा लोहोत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे हमें पता है कि सर्दियां ऑलरेडी आ रखी हैं, तो सर्दियों में ना स्किन की इतनी बैंड बच जाती है। मेरी तो भाई स्किन की बहुत बैंड बचती है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, और ड्राई स्किन की ना मतलब केयर बहुत जरूरी होती है, बहुत संभाल के रखनी पड़ती है अपनी ड्राई स्किन को, क्योंकि बहुत खिंचाव होता है, बहुत ड्राई हो जाती है एकदम से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि मतलब अमेजिंग रेमेडी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप इसको एक बार भी यूज करोगे ना, आपको इसके इफेक्ट उसी टाइम मिलेंगे। तो बस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस रेमेडी के लिए ना हम लोगों को टोटल 3 चीजों की जरूरत है, ठीक है। ऐसे तो सभी के घर पे होती हैं ये चीजें, बट अगर नहीं है तो आप बाजार से जाके ला सकते हो, ज्यादा महंगी नहीं होती है, बहुत ही चीप रेट पे आपको ये मिल जाएंगी। बट ये 3 चीजें इतनी इफेक्टिव है, इतनी इफेक्टिव होती है ना आपकी स्किन के लिए, मतलब जैसे लोग मेकअप करने से पहले बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है अपने फेस पे यूज करते हैं, जिसमें मॉइस्चराइजर आ जाता है, सीरम आ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सीरम फेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज क्या होता है ना कि सीरम अगर आप अप्लाई करते हो ना, उसके बाद जो आपका बेस लगता है ना, वो एकदम फ्लॉलेस लगता है, मतलब बहुत अमेजिंग बेस लगता है, कोई क्रैक नहीं होता है, काला नहीं पड़ता। और ये जो रेमेडी है ना, ये आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरम होने वाला है, आई एम श्योर। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। वो 3 चीजें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहला है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, घर का भी यूज कर सकते हो और बाजार से भी लेकर यूज कर सकते हो। और तीसरी चीज है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, मतलब ये ऑयल इतना अच्छा होता है ना फेस के लिए, और मुझे ऐसा लगता है वैसे भी ना कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है अपने दाग धब्बों के लिए, जो भी आपके फेस पर पिगमेंटेशन होती है। महंगी महंगी क्रीमों के लिए क्या जाना, जब आप घर पे ही रेमेडी बना सकते हो तो उसको क्यों नहीं यूज करना। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए बनाते हैं अपनी रेमेडी। सो गाइस, सबसे पहले मैं लूंगी अपना एलोवेरा जेल कटोरी में। आप निकल जाना, आप ऐसा होता ना कि ठीक है, ये ले लिया मैंने एलोवेरा जेल। इसमें मैं डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल्स, जिसको हम पहले कट कर लेंगे। ये और ये है मेरा, ये एक कैप्सूल मैंने अच्छे से डाल लिया इसमें। That's it. और अब इसमें मैं डालूंगी वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि सर्दियों के कारण ये भी जम चुका है, बट That's it. ये हो गई क्वांटिटी। और अब इस मिक्सचर को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मतलब आप क्वांटिटी ज्यादा भी रख सकते हो, मेरा फेस बहुत छोटा है तो इसीलिए मैं जब मेकअप करवाती हूँ ना अपने शूट्स पे, वो भी मेकअप वाले भी मुझे बोलते हैं, तुम्हारा छोटू सा तो फेस है तुम्हारा, तुम्हारे फेस पे तो ज्यादा मेकअप अप्लाई भी नहीं होता है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो। अब इसको मैं अप्लाई करूंगी फेस पे, अभी देखो मेरी स्किन कैसी, और अभी guys, you can see the difference.
मुझे नहीं पता अभी कैमरे में कितना आ पा रहा है, बट आई कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे देखो थोड़ा सा येलोइश स्किन टोन लग रही है मेरी, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ग्लो आया है और वाइटिश स्किन टोन हुई है. नॉट बैड. और अभी ये सिर्फ मैंने एक बार यूज की है. गाइस कैन यू बिलीव, मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है सिवाय वो तीन चीजों के. और मुझे ना बाल बांध लेने चाहिए थे, बार बार कान से आगे आ रहे. ओह माय गॉड, लुक एट माय फेस नाउ. मैंने गलती की, मुझे पहले की भी पिक्चर क्लिक करनी चाहिए थी और अभी की पिक्चर भी क्लिक करनी चाहिए थी, बट एनी विच वे ये थोड़ा सा बचा हुआ. मैं ये क्यों बचाऊं, ये भी लगा ही लेती हूँ, इट्स गुड फॉर स्किन. और जब आप ये अप्लाई करोगे ना, उस टाइम आपका फेस थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाएगा, बट कुछ सेकंड बाद जैसे जैसे आप इसकी मसाज करोगे ना, ये आपके स्किन टोन के साथ अब्सॉर्ब हो जाएगा. बट लुक एट द ग्लो. या ऑसम. और इसी के साथ आप अगर कर सको तो अपनी फेस की मसाज भी जरूर करना. बेस्ट सीरम है ये. मतलब अब अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन भी अप्लाई करूंगी ना, एंड आई एम डैम श्योर कि उसका जो बेस होगा ना एकदम फ्लॉलेस होगा. मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको, लाइव करूंगी आज. वेट, लुक एट द ग्लो. आई जस्ट लव्ड इट यार, मुझे बहुत पसंद आया ये. एक्चुअली मैंने एक दो बार पहले भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो दैट्स इट. मैं अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर सीधे फाउंडेशन. जस्ट वाना शो यू. कुछ ज्यादा ही थोड़ी ले ली मैंने, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी मिरर. As you can see, perfect base. और ये जो glow आ रहा है ना, ये उसी का है जो मैंने आपको remedy बताई है. ओ माय गॉड, आई तो लव्ड इट यार. गाइस बिलीव मी, आपको कोई मॉइस्चराइजर कोई सीरम खरीदने की जरूरत नहीं. वैसे तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप ये रेमेडी बना लेते हो ना, इसमें आपका मॉइस्चराइजर भी कंप्लीट हो जाएगा और सीरम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से प्रेप हो जाएगी. एंड लुक,
ये है मेरा बेस। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी अपने डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी नींद पूरी होती ही नहीं है और डार्क सर्कल हो जाते हैं, क्योंकि नींद पूरी ना हो ना तो डार्क सर्कल होना लाजमी है। नॉट मोर देन दिस। मतलब इतने आराम से ब्लेंड हो रहा है, इतने आराम से ब्लेंड हो रहा है ना। मैंने ये रेमेडी यूज की थी बट उसके ऊपर मैंने कभी मेकअप नहीं किया था। ओह माय गॉड, एंड बिलीव मी गाइस, बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और घर का रेमेडी है। आप इसको ना बना के एक बॉटल में भी रख सकते हो, आप सुबह शाम इसका यूज कर सकते हो। जैसे आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर यूज करते हो ना, सनस्क्रीन यूज करते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो। मतलब मैं फ्लैट हो गई हूं इस वाली रेमेडी पे ना। That's it. Look, looking like a wow. That's it. और अब हम करेंगे अपना फेस को कंटोर, आगे का मेकअप हम लोग कंटिन्यू कर ही लेते हैं। अब जब इतना किया तो आगे का मेकअप भी कर ही लेते हैं। आजकल ना कंटोर करने की बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, तो मतलब एक अलग ही फेस कट आ जाता है यार फेस पे। जैसे मैं हूं चबी जैसी, मतलब लुक, लव्ड इट। इसी को मैं यूज करूंगी अपनी चिन पे भी। और लुक, मुझे ना मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है मुझे मेकअप करना, और सभी को पसंद होता है, मैक्सिमम लड़कियों को, इवन जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ना उनको भी पसंद होता है। जैसे मेरी कुकड़ू है, उसको भी बहुत पसंद है, वो बस मुझे देखती है मम्मा। That's it. ये देखो
सेट। सो भाई ये है मेरी पूरी लुक और मुझे बहुत पसंद आई है ये रेमेडी, अगर आप लोग भी यूज़ करोगे। और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। इसके बाद हम अपने पूरे मेकअप को सेटिंग स्प्रे से कर देंगे सेट। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। तो गाइस ये था मेरा होल मेकअप और मुझे ये मतलब अपना स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा लगा है। और अगर आप लोगों को इधर बैठो ऐसे, आप लोग प्लीज इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करना अपने फेस पे। वेट वेट, वो देखो मम्मा क्या बोल रही है, वो देखो उधर। तो आप लोग इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करना और मुझे प्लीज बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। मतलब मैंने उस रेमेडी पे, होम रेमेडी पे अपना पूरा मेकअप किया है, ना मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया, ना मैंने कोई सनस्क्रीन यूज किया है आज, ना ही मैंने कोई फेस सीरम यूज किया है, कुछ नहीं। तो से हाय गाइस। सो गाइज अगर आपको ये होम रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अगर आप उसको अपनी ऑडियंस की एक एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो उसको भी ऐसे उसका भी एनर्जी बूस्ट हो जाता है कि नहीं यार आई शुड डू, मुझे करना है, अपनी ऑडियंस के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। सो बस अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ जी, क्या चाहिए आपको।